नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। रोज की तरह दोस्तों फिर मैं आपके सामने हूं एक बार संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। अब तक हमने शुरू से लेकर अब तक जितना भी दोस्तों पढ़ा है, मैं विश्वास से कह सकता हूं अगर आपने थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाई है तो दोस्तों जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, भाग चार तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मुझे ये विश्वास है कि आपको भी याद हो चुका होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, आपने देखा होगा मैं कठिन शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जो मैं तो आपको बता दूँ और आपकी समझ में नहीं आए। और फिर दूसरी बात दोस्तों, आपने जो थंबनेल में पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम कहने से कतराए या फिर भारत माता की जय बोलने से कतराए, तो क्या हमारे संविधान में, हमारे कानून में इस तरह का प्रावधान है कि क्या ऐसे व्यक्ति को कोई सजा दी जाती है या फिर उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है? तो जितने भी मन में डाउट्स हैं दोस्तों आपके, वो सारे मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसी के उसलिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि वीडियो को अंत तक देखना होगा, है ना। कि पहले हम समझते हैं ये मौलिक कर्तव्य क्या है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं और कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या क्या बात कहता है ना, और इनका फिर महत्व क्या है। ठीक, तो ये सारी चर्चा, जितने भी मन में आपके सवाल हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, पढ़ने का जो तरीका होता है वहाँ से शुरू करते हैं, हमारे संविधान में क्या ये मौलिक कर्तव्य थे नहीं थे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। आपको पता है दोस्तों इसे हमारे भारतीय संविधान में जो जगह दी गई है, भाग चार का है ना। भाग चार क्या था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। तो इन्हें जो जगह दी गई है मौलिक कर्तव्य को, वो भाग चार का में दी गई है। और जो अनुच्छेद जोड़ा है दोस्तों, वो कौन सा जोड़ा है? वो है 51 का है ना। तो ये दो जगह, मतलब भाग चार का में 51 का जोड़ करके मौलिक कर्तव्य को जगह दी गई है। जब ये मूल संविधान में नहीं थे तो दोस्तों इन्हें कब जोड़ा गया? तो आपको याद होगा दोस्तों, जब 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके समय में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों 1976 का जो साल आया, इमरजेंसी के दौरान ही आया था जब आपातकाल लगा हुआ था, उसी समय है ना। 1976 में क्या हुआ था कि बातें तो बहुत लंबी हैं इमरजेंसी की, है ना, बताते बताते दिन ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातों की ज़रूरत पड़ी जो हमारे संविधान में होनी चाहिए थी लेकिन उस समय थी नहीं। तब एक समिति बनाई गई जिसको हम कहते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसकी अनुशंसा पर एक संविधान संशोधन हुआ। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। ये दोस्तों समिति बनी थी, तब इन्होंने राय दी, और राय क्या दी कि संविधान में संशोधन करना होगा और संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को जगह दी जाएगी। तब जाकर संविधान संशोधन हुआ 42वां, और ये हुआ कब था? आपको सबको पता है दोस्तों 1976 में बना था। अब आपसे दो तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपका जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें जोड़ा गया। दूसरा आपसे पूछा जाता है किसकी अनुशंसा पर या फिर किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आपका जवाब होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर या फिर सिफारिश पर जोड़ा गया। अब ये बातें तो आपके काम की हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं आपको पता वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। केवल मौलिक कर्तव्य ही नहीं, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर केवल मौलिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये इसी समिति की अनुशंसा पर हुआ था। अब 42वां संविधान 1976, आपको पता है इसका कितना बड़ा दायरा है। इस ये सबसे बड़ा, एक तरीके से मैं कहूँ तो ये संविधान संशोधन है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, आपको याद है, और जितने आर्टिकल कई सारे आर्टिकल, जैसे कि 39 का जोड़ा गया था वो भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया था, 39 का वो भी इसके अंतर्गत ही जोड़ा गया था।
तो आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन जो था बहुत महत्व रखता है। तो ऐसा नहीं है मौलिक कर्तव्य ही केवल सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जुड़े थे, जुड़े वो भी थे, लेकिन पूरा का पूरा आर्टिकल, पूरा का पूरा संविधान संशोधन जो हुआ था ये भी इन्हीं की अनुशंसा पर हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर हुआ, तब भी यही उत्तर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर या किसकी सिफारिश पर जुड़े, तब भी आपका यही जवाब होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, तब जो है संविधान में संशोधन हुआ, भाग 4 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य को जगह दी गई। अब दोस्तों बात यह आती है कि मौलिक कर्तव्य जोड़े तो सही, लेकिन आपने देखा होगा नागरिकता कहाँ से ली गई आपको पता है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए आपको पता है, और फिर DPSP राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए ये भी आपको पता है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसी तरीके का एक सवाल और बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका जवाब होगा दोस्तों रूस। ठीक है, सोवियत संघ, ये आपका जो है जवाब होगा, इसको हम रसिया भी कहते हैं। तो रूस के संविधान से ये मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। जो जो मैं आपको पढ़ाया है ना अभी तक, ये बनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, किस आर्टिकल में रखा गया है, किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, ये सारे सवाल अभी तक आ चुके हैं और कई कई बार आए हैं। तो इसलिए दोस्तों इन सारी बातों को भी आप अपने दिमाग में रख लेना। ठीक, अब चलते हैं उन बातों पर जिसकी हमने चर्चा आपसे थोड़ी देर पहले की थी। तो सबसे पहले हाँ एक चीज़ और, मूल संविधान में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये भी आपको याद रखना होगा। कितने थे? 10 थे, लेकिन अब कितने हैं वर्तमान में 11 हैं। 11वां कब जुड़ा अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कौन सा था, ये भी हम बताएंगे, लेकिन आपको इतना रखना है कि मूल संविधान में 10 थे और वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, ये और आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और, उसे चाहे आप लिखना मत, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के लिए समझ लेते हैं, जो ये समिति बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह, इस समिति ने 8 का ही सुझाव दिया था आमतौर पर, है ना, ये पूछा नहीं जाएगा और अभी तक तो शायद पूछा भी नहीं गया है। लेकिन अगर इसके इतिहास की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 8 की ही सिफारिश की थी, है ना, लेकिन कुछ समय बाद, उस समय संशोधन नहीं हुआ था, केवल राय चल रही थी कि 8 ही जोड़े जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक आम राय बनी कि एक काम करते हैं 8 की जगह 10 कर लेते हैं, तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 को जगह दी गई थी। 11वां बाद में जुड़ा, अभी बताएंगे कब जुड़ा। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, है ना, सबसे पहले तो ये। फिर दूसरी बात, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा ही है, लेकिन आप इसको समझ के चलना कि मौलिक कर्तव्य आखिर है क्या, है ना। एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है इसका जो रूप है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। आप कहीं से निकल के जा रहे हैं और व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको बचा लें, है ना। अगर आपके पास इतने, आप इतने सक्षम हैं, उसको बचाने लायक हैं, अगर आपको लगे कि मैं इसको बचा सकता हूँ, तो ये आपका कर्तव्य है। ये आप एक नैतिक आदमी का जो कर्तव्य है वो यही कहता है कि उसको बचा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको नहीं बचाया तो आपको सजा नहीं होगी। ये आपका कर्तव्य तो था, लेकिन कानून नहीं था कि भाई उसको बचाया क्यों नहीं, आपको फांसी पे टांगा जाएगा तुम्हारी वजह से, उसने मतलब वो मर गया, तुम चाहते तो बचा भी लेते। तो मौलिक कर्तव्य का जो थोड़ा थोड़ा रूप है ना, वो सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर हमारा मन कर रहा है तो उसे बचा लें, और नहीं बचाएं तो कोई बात नहीं, है ना, ये हमारे ऊपर कोई बाध्य थोड़ी ना कि बचाना ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा रूप मौलिक कर्तव्यों का ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। अब पढ़ते हैं दोस्तों पहला, ये क्या है, इसमें बात की गई है दोस्तों संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। ठीक,
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, ये वाली बात लिखी है मौलिक कर्तव्यों के पहले कर्तव्य में। अब बात करते हैं दूसरे की, और ये बहुत ही अच्छा है ना। इतना तो अगर हम भारत के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी रखते हैं और अगर हम सच्चे भारत के नागरिक हैं, अगर हमारे मन में देश के लिए इज्जत है, तो दोस्तों इन बातों का पालन करना एक अच्छे भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ठीक, अब चलते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, आप लिखते रहना, मोटे मोटे शब्द में यहाँ पर लिखकर बता दूंगा। इसमें ये वाली बात की गई है स्वतंत्रता के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे ना, उसके बारे में। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों, मतलब जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था ना, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उसे जो प्रेरित कर रहे थे आदर्श, तो उन आदर्शों को दिल में संजोए रखें, है ना। इस तरीके से आप लिखना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को दिल में संजोए रखें। जो भी आदर्श थे, उन आदर्शों को दिल में संजोए रखें। अब ये दोनों आपको एक साथ याद रखने करने हैं। करने का तरीका भी आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, तो दो दो करके याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक होंगे। ये भी दो, फिर इससे अगले जो दो पढ़ेंगे ना, वो भी एक दूसरे से लिंक होंगे, उससे अगले जो दो होंगे वो भी एक दूसरे से लिंक होंगे, फिर उसके बाद आगे कैसे याद करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इन दोनों को याद करना, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, इतना सा याद कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो इतना पढ़ लेना कि संविधान का पालन करें, आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज। ये तो राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज तो याद रहेगा ही, आप भले ही इस बात को आप, मतलब ऐसा कह रहे हो कि भूलना ही भूलना है, एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा दिमाग से उतर जाए तो ये नहीं उतरना चाहिए। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, क्योंकि आदर्शों यहाँ भी आया है और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों यहाँ भी आया है। तो इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं कि आदर्श, आदर्श दो बार आएगा शुरू में ही, पहले में भी आदर्शों का पालन करें, दूसरे में भी आदर्शों का पालन करें। पहला किस महत्व में है, संविधान के महत्व में है, राष्ट्रीय ध्वज के महत्व में है और राष्ट्रगान के महत्व में है। और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, उसको जो प्रेरित कर रहे थे आदर्श, उन्हें दिल में संजो के रखना है। तो इस तरीके से ये दोनों आप याद कर लोगे। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। ये भी बहुत अच्छा कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें। और चौथा क्या है, देश की रक्षा करें, एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये क्या था, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, और ये क्या है, देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो अब ये दोनों भी आपको एक दूसरे से लिंक करके ही पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ भी भारत की बात चल रही है, यानी देश की बात चल रही है, देश से रिलेटिव है ना, कि देश की रक्षा कर, मतलब देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और इसमें क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, जैसे कि आपने आर्टिकल 23 पढ़ा था, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 23 के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को बिना पैसों के काम पर ले जाना एक अपराध मान्य होगा, है ना। लेकिन उसके अंदर भी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि आप राष्ट्रीय सेवा में ज़रूरत पड़ने पर लोक हित में काम करवा सकते हैं, वो हमारा
मतलब वो देश का राइट है कि किसी भी नागरिक से राष्ट्र हित में सेवा जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं है कभी भी, जरूरत पड़ने पर कराई जा सकती है। और यही बात दोस्तों ये चौथे में भी लिख दी है, क्या लिख दी है कि देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो इन दोनों को आप एक साथ याद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पांचवे की ओर। पांचवा क्या कहता है, भारत की समरसता, है ना। अब थोड़ा लिखते कम है पढ़ते ज्यादा है, आपको जरूरत लगे ना, मतलब जरूरत तो है ही, आप लिख लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना। तो भारत की समरसता, समरसता मतलब समान रस, एक प्यार वाली जो रस घोलने वाली जो बातें होती है ना, हाँ। तो भारत की समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और इसमें एक बात और लिखी हुई है, एक तो यह है ही कि भारत की देश के लोगों में समरसता, देश के लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भाषा धर्म या मतलब जन्म स्थान इनके इनसे बिल्कुल परे हो। ऐसा ना हो कि मतलब हम इसमें भी जाति भाव ले आएँ या मतलब भाषा का भेदभाव ले आएँ, तो इन भेदभाव से परे हो, हमें जो है इन बातों में नहीं पड़ना है, केवल भ्रातृत्व की भावना जगानी है या निर्माण करना है और समरसता का निर्माण करना है, पहली बात तो ये। और इसी के अंदर दूसरी बात और लिखी गई है, क्या कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये था हमारा पांचवा, अब पढ़ते हैं छठा, है ना, छठा पढ़ लेते हैं। छठा क्या है, हमारी मिश्रित संस्कृति, हमारी मिश्रित संस्कृति, मिश्रित संस्कृति का मतलब समझते हो, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग क्या हैं संस्कृतियां, तो मिश्रित संस्कृति भारत की मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व करें और परिरक्षण करें, रक्षण मतलब रक्षा करें इसकी, सबका सम्मान करें मिश्रित संस्कृति की, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, छठा। तो ये दोनों एक साथ याद कर सकते हैं आप, पांचवा और छठा, उसमें भी संस्कृति ही छलक रही है एक तरह से, भाई भ्रातृत्व की भावना जगानी है, समरसता जगानी है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। और छठा भी यही कहता है कि हमारे भारत की मिश्रित संस्कृति का बनाए रखें, इसकी रक्षा करें, है ना। अब चलते हैं सातवें की ओर, तो ये दो दो करके आप याद कर लेना। अब चलते हैं सातवां, तो सातवां मोजो मौलिक कर्तव्य है, क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदियाँ, झीलें और वन्य जीव ये सब आते हैं, इनकी रक्षा करें, ठीक है। ये आता है सातवां। और आठवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार, है ना। ये चार बातें लिखी हुई हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार का विकास करें। ये कौन कहता है, आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है। सातवां क्या था कि प्राकृतिक पर्यावरण की मोटे तौर पर रक्षा करें, इसके अंदर नदी, झीलें और वन, वन्य जीव, है ना, और प्राणी स्पेशल ये सब आता है कि इनके जो है रक्षा करें हम। ये है सातवां और आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार का विकास करें, ठीक। अब 9 और 10, अब इसके बाद क्या रहेगा, 9 और 10। नवा क्या है, नवा है दोस्तों सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, सरकारी संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। और दसवां जो कहता है हमारा, वो कहता है पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक,
व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, कोई भी ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जो हमारी व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, तो सभी क्षेत्रों में, ऐसी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें, मतलब ऊंचा उठने का प्रयास करें हर व्यक्ति, चाहे वो पर्सनली या वो सामाजिक, कोई सी भी गतिविधि हो उसमें जो है कहाँ उत्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। मतलब एक तरीके से अगर व्यक्ति ऊपर उठेगा तो देश ऊपर उठेगा, ये भाव जो आता है ये हमारे 10वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अब रहा 11वां, जो मैं आपसे कह रहा था कि 10 तो हमारे मूल कर्तव्य मूल संविधान में ही थे, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य था वो हमारा बाद में जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया दोस्तों, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और इसमें क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा का और पालन का, मतलब उनकी सुविधाओं का जो कर्तव्य होगा, देख रेख का, शिक्षा का, वो होगा उनके माता पिता का या फिर उनके संरक्षण का, जिनके यहाँ वो रह रहे होंगे, है ना, जो भी उनके संरक्षक होंगे उनका कर्तव्य होगा। तो ये 86वां संविधान 2002 में हुआ था। अब यहाँ से दो बातें पूछी जा सकती हैं कि ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया, फिर 21 का का कब जोड़ा गया, वो भी इसमें जोड़ा गया था, 45वां जो आर्टिकल था मौलिक कर्तव्य में वो कब जोड़ा गया था, मतलब उसमें संशोधन जो हुआ था वो भी इसमें ही हुआ था, है ना। तो बच्चों से रिलेटिव जो भी है ना वो सब 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही हुआ था। तो ये हमारे हो गए 11 मौलिक कर्तव्य, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों रट के तो मैं भी आपको पढ़ा देता कि ऐसा ये है, लिख लिख के बता देता, पहले लिख के रख लेता, आप भी ऐसा कर सकते हैं, रट के चले जाएं। लेकिन दोस्तों अब आपने एक एक शब्द को समझा, एक एक बात को समझा, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था, उस समय जो है इस चीज़ की जरूरत थी, और इसलिए हमें यहाँ पे, अब आते हैं मोटी बातों पर। अब देखो जो हमारा मूल अधिकार था भाग 3, और ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का, है ना। अब हम मोटे तौर पर इसकी बातें कर लेते हैं, जैसा कि इसके बारे में मैंने मोटे मोटे तौर पर अभी बताया था कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने से सामने डूब रहा है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप उसको बचा लें, लेकिन अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होगी। यही सेंस मोटा मोटा इसका भी बैठता है, मौलिक कर्तव्यों का, है ना। लेकिन दोस्तों किसी के मन में ये भी बात आती है कि कोई बात अगर संविधान में लिखी हुई है तो उसका उल्लंघन कैसे हो सकता है, है ना। तो दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये राज्य को अधिकार है कि इस पर भी कानून बना सकती है, इस पर भी कानून बना सकती है। लेकिन होता क्या है, देखो आपने कहा मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इसमें ऐसा कुछ दिया भी नहीं है कि ये आपको पालन करना ही करना है, वरना आपको जेल हो जाएगी या आपको सज़ा दे दी जाएगी, आप पर दंड लागू कर दिया जाएगा, तो ऐसा तो इसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं। ये एक कर्तव्य ही तो है, हम माने तो ठीक और ना माने तो ठीक। लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी हमने 7वां मौलिक कर्तव्य पढ़ा था, क्या था उसके अंदर, कि हम जो है पर्यावरण से रिलेटिव जो, मतलब एक रक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, वो हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य था। अब यही बात आपने देखी होगी दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी लिखी हुई है, 48 में जो 48वां आर्टिकल था, 48 का, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। तो वो तो राज्य सरकार लागू करवा सकती है ना। और फिर दूसरी बात, चलो उसे भी छोड़ो, 1972 में वन एवं वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ था, एक एक्ट हुआ था 1972 में। तो यहाँ पर आप लागू ना करें कि मौलिक कर्तव्य में है, ये मुझ पर कोई बाध्य नहीं कर सक इस बात के लिए कि मुझे वन्य जीवों की रक्षा करनी ही होगी, मैं तो मारूंगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में है, और मौलिक कर्तव्य ये नहीं कहता कि सजा दी जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर मौलिक कर्तव्य का सहारा ले करके आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक एक्ट भी तो है 1972 का, इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि अगर वन्य जीवों को कोई नुकसान पहुंचाता है, वनों को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो इस एक्ट के अंदर सजा का प्रावधान है, सजा भी होगी और फिर आर्थिक जो दंड होता है वो भी दिया जाएगा। तो वो चीज़ मौलिक कर्तव्य के हिसाब से अगर ना करें तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह वही बात लिखी हुई है ना, एक कानून के रूप में लिखी हुई है, उसका दंड भी है, तो इसलिए एक बात दूसरी जगह पर लिंक हो जाती है, समझ में आ रही है बात। अब आती है बात दूसरी, जो जैसे कि वंदे मातरम कहते हैं कुछ लोग कि हम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, जय हिंद हम नहीं बोलेंगे,
भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये हम नहीं बोलेंगे, है ना, ये जो एरिया है। तो ऐसा क्यों है, जबकि पहला ही मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है कि भारत के संविधान का पालन करना होगा और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना होगा, आदर करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना दोस्तों, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ मौलिक कर्तव्य में कुछ भी है, लेकिन यही कुछ चीज़ें ना दूसरी जगह कानून भी बनी हुई है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने का कारण क्या होता है ना भाई, उन्हें किस बेस पर हटाया जाए। आपको तो पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दो, महाभियोग से आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लगा दो और वो जो है अपनी जो है शक्तियों से मुक्त हो जाएगा, उसको जो है त्याग पत्र देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस पर महाभियोग कब लग सकता है? तो दोस्तों उसका जो कारण है ना सबसे बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, संविधान का उल्लंघन ही है, संविधान का उल्लंघन, संविधान की अवमानना, है ना। तो इस बेस पर उसको हटाया जा सकता है, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस आधार पर हटाया जा सकता है कि वो अगर संविधान का उल्लंघन करे या संविधान की अवहेलना करे, अवमानना करे, है ना, इस आधार पर हटा सकता है। यही हमारा मौलिक कर्तव्य पहला है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। लेकिन दोस्तों आपने देखा कहीं भी वंदे मातरम, जय हिंद या भारत माता की जय, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द आपको हमारे मौलिक कर्तव्यों में मिल गया हो, मूल अधिकार में मिल गया हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिख गया हो, ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे की भी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। देखो अगर ये बातें कहीं संविधान में लिख रही होती, भारत वंदे मातरम जय हिंद और भारत माता की जय बोलना अनिवार्य है, या मौलिक कर्तव्य में भी होता, तब भी इस पर कानून बनाया जा सकता था। अगर मौलिक कर्तव्य में भी ये बातें लिखी हुई होती कि ये कर्तव्य है हर भारतीय का, तो भी इस पर कानून बनाया जा सकता था। पर अफसोस ये है, ये जो तीन वंदे मातरम जय हिंद और भारत माता की जय, ये जो नारे हैं, ये ना तो मौलिक कर्तव्य है ना मूल अधिकार है। पहले में भी राष्ट्रीय गान की बात हुई है, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं हुई है। कभी आप कहो वंदे मातरम वो है, वो राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है, उसमें राष्ट्रीय गान की बात हुई है, राष्ट्रीय ध्वज की बात हुई है, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं हुई है ना। फिर दूसरी बात, आपको पता है कि ये मौलिक कर्तव्य जो जुड़े, ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर जुड़े। अब वो जो समिति थी ना, अब ऐसा नहीं है इसमें केवल एक ही व्यक्ति था, इसमें दोस्तों अनेक व्यक्ति थे। अब अनेक व्यक्ति तो हो सकता है वो अलग अलग धर्म से भी हो, अलग अलग धर्म से भी हो सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ते वक्त इन बातों का हो सकता है उस समय ध्यान रखा गया हो कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचे या ठेस ना पहुंचे। इसीलिए जो चीज़ें किसी धर्म पर ठेस पहुंचाती हैं, धर्म विशेष पर कुछ परेशानी है कुछ शब्दों को बोलने में, तो वो चीज़ें पहले से ही हमारे मौलिक कर्तव्य में लिखी ही नहीं गई और न ही संविधान में लिखी गई। जिक्र आता है ज़रूर कि इस तारीख को वंदे मातरम अपना लिया गया, राष्ट्रीय गीत अपना लिया गया, या इस तारीख को ये अपना लिया गया, लेकिन इस तरीके से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये मानना ही होगा हर भारतवासी का कर्तव्य है ना दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आज भी इस पर बहुत लंबी डिबेट होती है कि इन्हें कहीं ना कहीं संविधान में ऐसी जगह दे दी जाए जो हर व्यक्ति का अधिकार हो, अधिकार ये मतलब एक कानून बना दिया जाए। होती हैं ऐसी डिबेटें कि आप भारत के अंदर रह रहे हैं फिर भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन दोस्तों आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है ना। तो अब जहाँ तक उम्मीद है आपका जो डाउट था वो दूर हो गया होगा, क्योंकि हमारे मौलिक कर्तव्य में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें या जय हिंद का सम्मान करें, भारत माता की जय बोलें, ऐसा वहाँ भी नहीं है लिखा हुआ। तो इसलिए दोस्तों आज भी ये चर्चाएँ चलती रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल का जो वीडियो होगा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5 संघ, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखना ना भूलिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।